So we're slowly exploring the refuge tree. तो धीरे धीरे हम शरण वृक्ष को देख रहे हैं गहराई से. I know that it's been a bit heavy at times. तो मुझे पता है कभी कभी वो बहुत भारी हो जाता है जानकारी सारी. We're now going to be dealing with historical individuals. लेकिन अब जो है हम जो ऐतिहासिक व्यक्ति है उनकी ओर देखने वाले हैं. So a few more stories. तो कुछ और कहानियाँ. So maybe a little bit more easy to engage with. तो हो सकता है कि इससे आपको जुड़ने में ज़्यादा आसान लगे. So we're still dealing with the Sangha. तो अभी भी हम संघ को ही देख रहे हैं. If you like, yesterday we dealt with the ideal Sangha, the Bodhisattva Sangha. तो अगर आपको अच्छा लगे तो कल जो संघ हमने देखा वो एक आदर्श संघ था जिसे हम बोधिसत्व संघ कहते हैं. Which consists of figures of the Sambhogakaya. और जिसमें संभोगकाया की जो प्रतिमाएं होती है वो होती है संघ में. The Sangha considered from the point of view of imagination. तो वो संघ जो होता है कल्पना के दृष्टिकोण से हम उसको देखते हैं. But we're now going to be dealing with the Sanghas as Nirmanakaya. लेकिन अभी हम निर्माणकाया वाला जो संघ है उसकी ओर देखने वाले हैं. The historical Sangha. और ये संघ जो है वो ऐतिहासिक संघ है. You know that the Buddha taught all over North India for 60 years, I think. तो आपको पता होगा कि लगभग 60 साल तक जो है बुद्ध उत्तर भारत में जो है अपनी शिक्षाएं देते रहे थे. Certainly 50 years, maybe 60. हो सकता है 50 या शायद 60 साल भी उन्होंने शिक्षाएं दी होंगी. And many people gained enlightenment because of his teaching. और उनकी शिक्षाओं की वजह से बहुत से लोगों ने बुद्धत्व को प्राप्त किया. So there were many arahants, many Shrotapanas and so on. और इसलिए हम बहुत से लोग अरहंत थे, बहुत से लोग श्रोतापन्न थे और ऐसे ही अन्य लोग थे. So it seems as if the level of the Sangha was very high. तो आप देख सकते हैं कि उस वक्त संघ का जो स्तर था वो बहुत ही ऊंचा था. Although I should say there were also many naughty bhikshus and bhikshunis. और मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि उसमें बहुत सारे नटखट भिक्षु और भिक्षुनियां भी थे उस संघ में. Nutcut bhikshu. maybe we take some inspiration from them too. तो हम उनसे भी थोड़ी बहुत प्रेरणा ले सकते हैं. There are famous five bhikshus who the Buddha is always having to tell off. और ऐसे पांच भिक्षु थे जिसको हमेशा ही बुद्ध को क्या रोक टोक करनी पड़ती थी या उन्हें दूर रहने के लिए कहना पड़ता था. Many of the rules in the Vinaya are made because of these five bhikshus. और विनय में बहुत सारे जो नियम है वो इन्हीं पांच भिक्षुओं की वजह से बने हैं. But they gained enlightenment in the end. लेकिन अंत में उन्होंने भी निर्वाण को प्राप्त कर लिया, बुद्धत्व प्राप्त कर लिया. Even the most nutcut will gain enlightenment. तो सबसे नटखट जो होता है वो भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है. We're going to deal with five of the principal figures of that Arahat Sangha. तो ये जो अरहत संघ है इसके जो पांच मुख्य ऐसे लोग हैं उनकी ओर हम देखने वाले हैं. And of course, Arahat Sangha is, from a historical point of view, the absolute ideal Sangha. और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये जो अरहंतों का संघ होता है वो जो है अंतिमतः आदर्श ऐसा संघ होता है. Can't be disharmony between them. उनके बीच में उस संघ में उनके आपस में कोई विसंवाद नहीं होता है उन लोगों में. Because as we saw yesterday, disharmony is based on self-attachment. क्योंकि कल जैसे हमने देखा था कि संघर्ष या विसंवाद तभी होता है जब ही लोगों में आत्म आसक्ति होती है. And they've completely gone beyond that. और ये जो लोग हैं उन सारी चीजों के परे जा चुके हैं. Maybe they have sometimes discussions about which way is best. हो सकता है कि कभी कभी उनके बीच में चर्चाएं होती होंगी कि किसी चीज को करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है. You can get a couple of us to best this way. No, best this way. तो क्या कपिल वस्तु को जाने का रास्ता ये वाला अच्छा है? नहीं, ये सबसे ज्यादा अच्छा रास्ता है. Just sort of questions that can be discussed. Yeah? तो इस प्रकार के सवाल होते हैं जिनके ऊपर चर्चाएं की जा सकती है. But as regards the nature of the path and the nature of the goal, there's no disagreement. लेकिन इस मार्ग का स्वभाव क्या है या इस मार्ग का लक्ष्य या ध्येय क्या है उसके विषय में उनके बीच में कोई भी विसंवाद नहीं था, संघर्ष नहीं था. On our refuge tree, as I say, we have five very important figures. तो हमारा जो शरण वृक्ष है उस पर जैसे कि मैंने कहा कि पांच बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे व्यक्ति हैं. Sariputta, Mogalyan, Ananda, Mahakashyapa and Dhammadina. तो सारिपुत्र, मोगलयान, आनंद, महाकाश्यप और धम्मदीना. We know a little bit about each of these.
इनमें से हर एक के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा कुछ पता है so I'm going to tell you some stories about each of them. और इसीलिए इनमें से हर एक के विषय में मैं आपको कुछ कहानियां बताने वाला हूँ. Sariputta and Mogalyan are a sort of pair. तो सारिपुत्र और मोगलयान जो है वो एक जोड़ी है. You can't really deal with them separately. और दोनों की और आप ऐसे अलग अलग नहीं देख सकते. They belong together. और वो बस एक दूसरे के साथ ही होते हैं, वो एक दूसरे से ही संबंधित है. They were both from a village near Rajgir. तो राजगीर के पास एक गांव है, वहाँ के वो दोनों रहने वाले थे. In Bihar, of course. और निश्चित ही वो बिहार में है. And they were Brahmins by birth. और जन्म से वो दोनों ब्राह्मण थे. And at quite a young age, when they were still young men, unmarried young men, they both conceived a great sense of disgust with the world. और जब वो छोटे थे, अविवाहित युवा अवस्था में थे, तो बहुत ही आरंभिक काल में उनको दुनिया से एक प्रकार से बेरुखी महसूस होने लगी थी. उनको दुनिया अच्छी नहीं लगती. They were at a festival. और they were at a festival. Yeah. एक त्योहार में वो गए हुए थे. A mela. A mela लगा हुआ था. And well, they were, you know, that was everybody. Everybody went to the mela. Yeah? और तब ऐसा होता था, सभी लोग मेले में जाया करते थे. Dancing, and singing, and so on. Yeah. तो नाच गाना होता था वहाँ पे. And they just began to feel that this is all just empty. और उन्होंने ऐसे महसूस किया कि ये सारी बातें बहुत खोखली हैं, खाली हैं. They began to think, well, you know, this doesn't mean anything. और उन्होंने ऐसे सोचने शुरू किया कि इसका कोई मतलब नहीं, बेमतलब की बातें. And they decided that they would together leave home. और फिर उन्होंने तय किया कि वो दोनों एक साथ जो है अपना घर छोड़ देंगे. And they would go in search of the truth. और वो सत्य की खोज में निकलेंगे. So they became shramanas. और इसलिए वो श्रमण बन गए. And I should mention they've been friends from early childhood. और मुझे ये भी बताना होगा कि बहुत ही बचपन से उनकी दोस्ती रही है. So a very attractive picture of these two men who were lifelong friends. Yeah? तो ये बहुत ही आकर्षक ऐसा चित्र है इन दो पुरुषों का कि ये जीवन पर्यंत मित्र बने रहे. And they became members of the Sangha together. और एक साथ ही वो संघ के सदस्य बने. And you know, at that time in this area, more to the east of here, there was the tradition of the Shramana. और आपको पता होगा कि इस इलाके में या इस इलाके के ज्यादा पूर्वोत्तर भाग में श्रमणों की परंपरा रही है. We saw this a bit when we started the Udana, didn't we, last year? और पिछले साल जब हमने उदान का अभ्यास किया था, तो हमने इस बात की ओर देखा था. We saw that this area, unfortunately, was under Brahminical domination. तो हमने देखा कि दुर्दैव से ये जो क्षेत्र है वो ब्राह्मणों के वर्चस्व के नीचे था. The Kurukshetra or the Aryavata. तो कुरुक्षेत्र या आर्यवत था ये इलाका. But further east than this, the eastern UP, Bihar, Bengal, even down into Orissa, was a different culture altogether. लेकिन इसका जो पूर्वी इलाका था, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, तो यहाँ पर जो है पूरी तरह से अलग संस्कृति थी. And the culture there was not Vedic. और वहाँ की जो संस्कृति थी वो वैदिक नहीं थी. And the caste system was only just beginning to be imported from Aryavata. और वहाँ पर जाति व्यवस्था लगभग तभी जो है वो आयत होने लगी थी ये आर्यवत से. And you can see in the Pali Canon, we saw it last time, there's a sort of struggle by the Brahmins to import their notions into that area. और पिछले बार हमने पाली सूत्रों में देखा भी था एक प्रकार का संघर्ष की, जहाँ ब्राह्मण जो है अपनी संस्कृति जो है वो उस क्षेत्र में निर्यात करने का प्रयास कर रहे थे. So when we hear that they were Brahmins, it probably meant more that they were big landowners and wealthy aristocrats. Yeah. तो हम ब्राह्मण के तौर पे उसको पढ़ रहे थे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बड़े बड़े जमींदार या वहाँ के राजपुरुष लोग रहे होंगे वो राजघराने के. And at that time, it seemed quite a lot of people just left home.
और ऐसा लगता है कि उस दौर में काफी सारे लोगों ने जो है यूं ही घर छोड़ दिया था put on the yellow robe और पीला चीवर पहन लिया था and tried to find the truth और वो सत्य की खोज में निकल गए थे उसके प्रयास में they tried to find a solution to the suffering in life तो जीवन में जो दुख है उस दुख का समाधान क्या है उसका हल क्या है उसकी खोज करने का वो प्यास कर रहे थे and there were many different teachers और उस वक्त बहुत सारे अनेक अलग-अलग गुरु थे so to begin with the buddha just seemed like one of these another of these और शुरू में फिर देखने पर ऐसा ही लगता है कि बुद्ध भी इन्हीं गुरुओं में से एक रहे होंगे इन्हीं के जैसे but they went looking for the truth लेकिन वो सत्य की खोज में निकल पड़े थे and they found a teacher called sanjeeva और उन्हें संजय संजीवा नाम का एक गुरु मिला था and they practiced with him और उन्होंने उसके साथ आचरण किया and they became very effective disciples और बहुत ही परिणामकारक ऐसे वो उनके शिष्य बने so they had their own disciples और इसलिए उनके अपने भी कुछ शिष्य बने and apparently they had 250 disciples और ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास उनके अपने 250 शिष्य थे so perhaps Sanjeeva's sect had many more I don't know तो हो सकता है कि ये जो संजीवा का जो पंथ है उसके काफी दूसरे भी शिष्य रहे हों but they were not really satisfied लेकिन वो जो है उतने संतुष्ट नहीं थे they didn't really feel they were getting an answer to their problem और उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल उन्हें मिल रहा है so they came to an agreement तो फिर उन्होंने आपस में एक समझौता किया You go this way, I'll go that way. तो तुम इस रास्ते से जाओ और मैं उस रास्ते से जाऊंगा When we find a teacher who can lead us to nirvana, whoever finds, we'll find the other one and bring them too. तो जब हमें ऐसा कोई गुरु मिल जाए जो हमें निर्वाण तक लेकर जाएगा तो जिसे भी वो पहले मिलेगा वो लौट कर आएगा दूसरे को ढूंढेगा और उस तक ले जाएगा So these two split up and went looking amongst the shramanas for somebody who could really lead them to freedom. तो ये दोनों जो है फिर अलग-अलग रास्ते चले गए और ऐसे श्रमणों की वो खोज करने लगे जो उन्हें सत्य तक पहुंचा सके वो मुक्ति तक. By the way, it's quite interesting. Sariputta Mogalyan are depicted in more or less the same way. और ये भी बात बहुत रोचक है कि सारिपुत्र और मोगलयान का जब चित्र बनाया जाता है या उनका वर्णन किया जाता है लगभग एक जैसा ही किया जाता है मोगलयान इज यूजुअली शोन एज ब्लू इन कलर लेकिन आमतौर पे मोगलयान को जो है नीले रंग में दिखाया जाता है एंड दिस इज यूजुअली यूज्ड टू इंडिकेट डार्क स्किन और ये इसलिए बताया जाता है कि वो बताना चाहते हैं कि इस व्यक्ति का रंग जो है वो गहरा था सो दैट्स इंटरेस्टिंग इन द लाइट ऑफ द एटीट्यूड्स इन इंडिया टू स्किन कलर तो भारत में लोगों की त्वचा का जो रंग है उसको देखकर दूसरे लोगों का नजरिया क्या था वो दिखता है उसमें से सो Sariputta वाज in Rajgir. तो सारिपुत्र जो है वो राजगीर में थे. And he saw a figure. और उन्होंने एक व्यक्ति को देखा. He saw a bhikshu, as we would now say. और अभी हम ऐसा कहेंगे कि उन्होंने एक भिक्षु को देखा. Going with his alms bowl. और वो अपने भिक्षा पात्र को लेकर जा रहे थे. Just standing in front of a house. और एक घर के सामने वो खड़े थे. Completely silent. पूरी तरह से मौन में. Just waiting. और सिर्फ राह देख रहे थे. When food was put in his bowl, he'd bow and move to the next house. तो जब उनके भिक्षा पात्र में अन्न दे दिया जाता था, तो वो जो है नमन करते थे और फिर अगले घर को चलते थे। And very, very mindful. बहुत ही जागृति के साथ। And Sariputta described him as shining. और सारिपुत्र ने उनका वर्णन ऐसा किया जैसे वो चमक रहे थे His face calm and radiant, उनका चेहरा शांत था और तेजस्वी था so he's deeply impressed. और वो बहुत गहराई से उनसे प्रभावित हुए and remember, he's looking for enlightenment. और याद रखिए कि वो खुद जो है वो बुद्धत्व की खोज में थे so he feels, well, let me go and ask him, you know, who he is, what his teaching is. What he's discovered. तो वो सोचते हैं कि मुझे उनके पास जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं और उन्होंने किस बात को खोजा है। But something makes him hold back.
लेकिन कोई चीज जो है वो उन्हें पीछे रोक लेती है. He feels this is not the moment to disturb him. तो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं अभी ये क्षण नहीं है उन्हें तकलीफ देने का. So suggests great sensitivity on Shariputra's part. तो ये दिखाता है कि मतलब सारिपुत्र कितने संवेदनशील थे. The custom was that the bhikshus didn't speak until they'd finished their arms round. और परंपरा ऐसी थी कि जब तक भिक्षु जो है अपने भिक्षा टन को पूरा नहीं कर लेते थे तब तक वो बात नहीं करते थे. Otherwise they could very easily just get involved in village life, if you see what I mean. नहीं तो ऐसा होता था कि जो गांव का जो जीवन है उसमें वो ऐसे ही उलझ सकते थे बातचीत के द्वारा. Or getting into a little bit more curry, please. नहीं तो फिर ऐसा भी चर्चा शुरू हो, थोड़ी सी और करी दे दो. One more chapati. एक और चपाती चाहिए. So they just stand and accept without saying anything. और इसलिए वो वहाँ पर केवल मौन में खड़े रहते थे और बिना कुछ बोले जो भी उन्हें दिया जाता था उसको स्वीकार करते थे. Later they were given a verse by the Buddha which was a verse of blessing. और बाद में बुद्ध ने उन्हें एक गाथा दी थी कहने के लिए जो आशीर्वाद पर गाथा थी. But Shariputra realized that this bhikshu wouldn't speak. लेकिन सारिपुत्र को इस बात का एहसास था कि ये जो भिक्षु है वो बात नहीं करेंगे. So he went, he followed him. तो इसलिए वो उनके पीछे पीछे चल पड़े. He waited while he was eating. और जब वो अपना भोजन कर रहे थे तो वो राह देखते रहे. And then he approached him and asked him, you know, who he was, who his teacher was. और फिर वो उनके पास गए और पूछा कि वो कौन है और उनके गुरु कौन है. And he said his name was Asajit or Ashvajit. और उन्होंने कहा कि उनका नाम असजीत या अश्वजीत है. And of course you'll remember that he was one of the first five disciples that the Buddha taught at Sarnath. और निश्चित ही आपको ये बात याद होगी कि वो उन पांच परिव्राजकों में से एक है जिन्हें बुद्ध ने सारनाथ में अपनी शिक्षाएं दी थी. So one of those who awakened after the Dhammacakkappavattana sutra was preached. तो उन लोगों में से एक जो जागृत हुए थे या बुद्धत्व प्राप्त किया था उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन के पश्चात. So we're seeing right the early stages of the development of the Sangha. तो हम यहाँ पर संघ के विकास का एकदम आरंभिक बिंदु देख रहे हैं, मतलब आरंभिक काल देख रहे हैं. So he says, my teacher is the Shakyaputta, the sage of the Shakya, Shakyamuni. तो उन्होंने कहा मेरे गुरु जो है वो शाक्यपुत्र है, शाक्यों के मुनि है, शाक्य मुनि है. And he lives now at, I think at that time he was at Shravasti, yeah. और वो अभी जो है वो श्रावस्ती में रहते हैं. And so Shariputra becomes very excited. तो सारिपुत्र जो है वो बहुत उत्तेजित हो जाते हैं. Oh yes, and Asaji says that Shakyamuni is enlightened, is a Buddha. और अश्वजीत ये भी बताते हैं कि शाक्यमुनि जो है वो बुद्ध है, उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया. So, yes, he becomes extremely excited. और वो बहुत ही फिर उत्तेजित हो जाते हैं. This is what he's been looking for, enlightened being. और इसी की तो वो खोज में निकले थे, एक बुद्धत्व प्राप्त व्यक्ति की खोज. He wasn't happy with Sanjiva. वो संजीवा के साथ उतने खुश नहीं थे. Didn't take him far enough. क्योंकि वो उन्हें बहुत दूरी तक नहीं ले जा पाए थे विकास. So he asked Asvajit what Shakyamuni Buddha taught. और इसलिए वो अश्वजीत को पूछते हैं कि शाक्यमुनि बुद्ध की शिक्षाएं क्या है, वो क्या सिखाते हैं. Asvajit says, well, look, I'm just a very junior bhikshu. तो अश्वजीत ने कहा मैं तो बहुत ही नौसिखिया ऐसे, बहुत ही कनिष्ठ ऐसा भिक्षु हूँ. So it must have been just a few months after the Dhammacakkappavattana Sutra. तो ये धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के कुछ ही महीनों पश्चात की बात होगी. And he said, I don't know much. Yeah? और वो कहते हैं कि मैं बहुत कुछ नहीं जानता. And you know, I can't teach you myself. और वो कहते हैं कि मैं खुद आपको नहीं सिखा सकता. So Shariputra said, well, yes, but what does your teacher teach? Yeah? तो कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन आपके गुरु जो है वो क्या सिखाते हैं? So he says, I can tell you one verse that the Buddha teaches. वो कहते हैं कि मैं आपको एक गाथा बता सकता हूँ जो बुद्ध सिखाते हैं. And as soon as he hears that verse, Shariputra becomes a stream entrant. और जैसे ही सारिपुत्र उस गाथा को सुनते हैं वो श्रोतापन्न हो जाते हैं. Just like that, just hearing this four-line
verse. तो बस यूं ही इस चार पंक्तियों की गाथा को सुनकर. So I'm going to read it to you. तो मैं वो आपके लिए पढ़ने वाला हूँ. Let's see what happens. और देखते हैं क्या होता है आप श्रोता पढ़ने बनते हैं. Okay, ready? Ye dhamma hetu pabhava te sang hetang tathagato aha te sancha yo nirodho evam vadi mahasamano. So this means of those things that arise from a cause, the Tathagata has told the cause and also what their cessation is. This is the doctrine of the great Muni. तो सारिपुत्र कहते हैं कि वो सारी चीज़ें जो कारणों की वजह से निर्माण होती है तो तथागत उन कारणों के विषय में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि उन कारणों को नष्ट किस प्रकार से किया जाता है और ये उनकी महान मुक्ति तक पहुंचाने वाला मार्ग है. So, he's giving the essence of pratitya samutpada. तो वो जो है उन्हें प्रतित्य समुत्पाद का सार बता रहे हैं. He's telling Shariputra that what the Buddha teaches is that everything arises in dependence on conditions and ceases once those conditions cease. तो वो सारिपुत्र को ये बता रहे हैं कि सभी चीजें जो है परिस्थितियों के आधार पर निर्माण होती है और जब ये परिस्थितियां नष्ट हो जाती है तो वो जो चीजें निर्माण हुई है वो भी नष्ट हो जाती है. For Shariputra, it's like a nuclear bomb going off. और सारिपुत्र के लिए ये ऐसा था कि जैसे कोई न्यूक्लियर बम फट गया. It's like an earthquake. जैसे एक भूकंप हो गया. It just completely changes everything. और उनके लिए हर चीज बदल जाती है. And again, we need to realize that at that time, people didn't understand why things happened. और हमें इस बात को भी समझना होगा कि उस वक्त लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते थे कि चीजें क्यों हो रही हैं. This was a big debate amongst the shramanas. और श्रमणों के बीच में ये बहुत ही बड़ा चर्चा का विषय था. The Brahmins, of course, taught that it was all because of the gods. अब ब्राह्मण ये सिखाते थे कि सारी चीजें जो है वो ईश्वर की वजह से होती हैं. If you were sick, it was because of the gods. तो अगर आप बीमार हो तो वो बस ईश्वर की वजह से है. If you got success, that was because of the gods. अगर आपको यश मिला है तो वो ईश्वर की वजह से है. And so religion was merely a matter of having a good relationship with the gods. तो धर्म का संबंध फिर इतना ही होता था कि आपको ईश्वर के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने. Which meant giving them enough agarbatti, mumbatti, coconuts, etc. इसका अर्थ ही होता था कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में अगरबत्ती, मोमबत्ती, नारियल आदि भेंट देते रहने. This is what I call cosmic corruption. और जिसको मैं कहता हूँ ब्रह्मांड या भ्रष्टाचार. So it's not surprising that corruption is so common in Indian administrative life. Yeah. और इसलिए इस बात में कोई अचरज नहीं है कि भारत में और भारत के प्रशासकीय जीवन में इतना सारा भ्रष्टाचार है. I'm quite serious. I think it does affect the way in which people think of these. तो मैं काफी गंभीर हूँ क्योंकि इसका परिणाम पड़ता है, होता है लोगों की सोच पर. So yes, that's the way in which the Brahmins taught that things happened. तो इस प्रकार से ब्राह्मण जो है वो लोगों को सिखाते थे कि इस प्रकार से चीजें होती हैं. Some people even at the time of the Buddha taught that everything happened just by accident. और बुद्ध के समय में कुछ लोग ऐसा भी सिखाते थे कि सभी चीजें जो है वो यूं ही हो जाती है, संयोगवश हो जाती है. There was no cause for anything. और किसी भी चीज के होने का ऐसा कोई खास कारण नहीं होता. It was just like the roll of the dice. तो ऐसे ही है जैसे आपने फांसे फेंक दी. One day you did a good deed and you got gold. तो एक दिन आपने कुछ अच्छा कर लिया और आपको सोना मिल गया. The next day you did a good deed. और अगले दिन आपने कुछ अच्छा काम कर लिया. And you got illness. और आपको बीमारी मिल गई. It was completely random. और पूरी तरह से ऐसे ही होता था वो. So it's a big debate. Why do things happen? तो बहुत बड़ी चर्चा का ये विषय था कि चीजें क्यों होती हैं. You can see what it must be like for people in a pre-scientific age. तो आप देख सकते हो कि वैज्ञानिक युग के पहले जो युग था वहाँ पर चीजें कैसी होती होंगी लोगों के लिए. Many people in the world today
live in a prescient scientific age. और आज की दुनिया में भी बहुत सारे लोग जो है उस पूर्व वैज्ञानिक युग में जैसे लोग रहते थे वैसे ही रहते हैं. Even many scientists live in a pre-scientific age. बहुत सारे वैज्ञानिक भी जो है वो पूर्व वैज्ञानिक युग में ही जीते हैं आज. If you see what I mean, many people are very superstitious, even though they're nominally scientists. और बहुत सारे लोग भले ही वो वैज्ञानिक भी हैं तो भी काफी अंधश्रद्धा से भरे हुए होते हैं. So you can see what a huge revolution the Buddha's insight into Pratityasamutpada was. तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा जो है एक क्रांति समाई हुई थी बुद्ध के प्रतीतसमुत्पाद के विश्लेषण में. Anything that appears because of previous conditions. तो जो भी चीजें निर्माण होती है सामने हमें दिखाई देती है वो किसी परिस्थितियों के आधार पर निर्माण होती है. And without those conditions, it ceases. और उन परिस्थितियों के ना रहते वो चीजें भी नहीं रहती. And that applies to our human lives as well. और वो हमारे मानवीय जीवन के ऊपर भी लागू होता है. The law of karma determines our own happiness and unhappiness. और कर्म का जो नियम है वो ही हमारे सुख और दुख को निर्धारित करता है. In other words, the conditions, there are conditions that establish our own happiness and unhappiness. तो दूसरी वजह से परिस्थितियां ही वो परिस्थितियां होती है जो हमारे सुख को या दुख को निर्माण करती है. And there are conditions that create enlightenment. और ऐसी भी परिस्थितियां होती हैं जो बुद्धत्व को निर्मित करती हैं. So this had a huge impact on Sariputta. तो इस बात का सारिपुत्र के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव होता है. And suddenly he was relieved of all his doubts. और तुरंत ही एकाएक कि उसके सारे जो भी शंकाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं. And he saw the truth of things. और वो चीजों की वास्तविकता को देख लेते हैं. So he immediately went back to find Mogalyan. और इसलिए वो तुरंत ही मोगलयान को ढूंढने के लिए वापस लौटते हैं. That was their agreement. और ये उनके बीच में समझौता हुआ होता है. So Mogalyan saw Sariputta coming. और मोगलयान देखते हैं कि सारिपुत्र आ रहे हैं. Something's happened. और वो सोचते हैं कुछ तो कुछ हुआ है. He could see it on Shariputra's face. और सारिपुत्र के चेहरे पर वो उस बात को देख पा रहे होते हैं. You found what we're looking for, haven't you? और वो उनको पूछते हैं कि जिस बात की हम खोज कर रहे थे तुमने उसको पा लिया है ना. So Shariputra says, well, yes, I have. और सारिपुत्र कहते हैं कि हाँ मुझे मिल गया है. Describes his meeting with Asvajit. और वो वर्णन करते हैं अपनी मुलाकात का अश्वजीत के साथ की. Says that Asvajit has told him that there is a Buddha. और बताते हैं कि अश्वजीत ने उन्हें बताया कि बुद्ध है. And then he recites to him that gatha. और वो जो है उस गाथा को दोहराकर उन्हें बताते हैं. Mogalyan immediately enters the stream of the Dhamma. और मोगलयान भी तुरंत धम्म के प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं, श्रोतापन्न हो जाते हैं. He too is completely changed. Yeah? और वो भी पूरी तरह से बदल जाते, परिवर्तित हो जाते हैं. He's found what he was looking for. Yeah? और जिस बात की वो खोज में थे, वो उन्हें मिल चुकी होती है. So then they think, well, let's go to find the Buddha. और फिर वो कहते कि चलो जाकर बुद्ध को ढूंढते हैं. And they want to go as quickly as they can. और जितने जल्दी वो जा सकते हैं वो जाना चाहते हैं. But then Sariputta says, yes, but these 250 disciples are dependent on us. हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन ये जो 250 शिष्य है ये हमारे ऊपर निर्भर है. And we can't just abandon them. और हम उन्हें यूं ही छोड़कर नहीं जा सकते. Again, very interesting, this consideration, sensitivity. तो फिर एक बार ये संवेदनशीलता जो है बहुत ही रोचक है कि किस प्रकार उन्हें उनका ध्यान था. So they get their 250 disciples together. तो वो अपने सारे 250 शिष्यों को एकत्रित करते हैं. They say, we found a Buddha. और वो उन्हें बताते हैं कि हमें बुद्ध मिल गए हैं. We want to take him as our teacher. और हम जो है उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकारना चाहते हैं. You do what you like. और आप जो चाहते हैं अपने लिए आप वो करें. If you want to stay, you stay. तो अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो आप रुकिए. They said, "No, no, we're coming with you." तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम भी आपके साथ आ रहे हैं. But then they remember Sanjiva, yeah. लेकिन फिर उन्हें संजीवा की याद आती है. They think, "Well, we have a responsibility to him." वो कहते हैं कि हमारी उनके तरफ भी कुछ जिम्मेदारी बनती है. If we all go, well, he'll be left with
not many disciples. और अगर हम सब चले जाएंगे तो उनके पास फिर बहुत ज़्यादा शिष्य नहीं रह जाएंगे. So they go and explain to Sanjiva. और इसलिए वो संजीवा के पास जाते हैं और उन्हें सब समझाते हैं. And it's in the Vinaya this account, but the discussion is very polite, very friendly, very considerate, sensitive. ये विनय में इसका वर्णन आता है, लेकिन ये जो चर्चा होती है, बहुत ही संवेदनशीलता के साथ होती है. बहुत ही विनय विनम्रता के साथ होती है, विनय होता होते हैं, विनयशीलता होती है इसमें. So they say, well, you know, we're going, we found the Buddha. तो वो कहते हैं कि हम जा रहे हैं, हमें बुद्ध मिल गए हैं. So Sanjiva said, no, don't go. तो संजीव कहते हैं कि नहीं, मत जाओ. You stay. आप यहाँ पे ही रहो. And you can be equal with me as teachers. तुम जो है गुरु के तौर पे मेरी बराबरी में रह सकते हो. Sorry, we have to go. लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमें जाना होगा. And the text says he vomited hot blood. और फिर तुम्हें ऐसे कहा जाता है कि गर्म खून की वो उल्टी करते हैं. Presumably, what this means is just extremely angry and upset. Yeah. तो शायद से इसका अर्थ ये होता है कि वो बहुत ही गुस्से में आ गए थे और बहुत नाराज हो गए. In other words, he was really just interested in being the leader. दूसरे शब्दों में वो उनकी रुचि केवल जो है वो नेता बनकर रहने में ही रही थी. So they went to find the Buddha. I think it's at Sarnath. और फिर मुझे लगता है कि वो बुद्ध की खोज में निकल गए थे. उस वक्त शायद वो सांची में थे. Sorry, Shravasti. श्रावस्ती में थे. And they, as soon as the Buddha sees them coming, he makes seats ready for them next to him. और जैसे ही बुद्ध देखते हैं कि ये दोनों आ रहे हैं, तो बुद्ध उनके लिए अपनी ही बराबरी में आसन तैयार करते हैं. He immediately sees what quality they have. तो वो तुरंत ही देख लेते हैं कि उन दोनों में कौन से गुण हैं. At this point, they're not even bhikshus, yeah? और इस वक्त तो वो दोनों भिक्षु भी नहीं हैं. Then he has them ordained. फिर वो जो है उन्हें प्रवचित करते हैं. And he makes them into his chief disciples. और वो उन्हें उनके आप मतलब अपने प्रमुख शिष्य बनाते हैं. So for the next many years, they were the leading disciples of the Buddha. और फिर अगले कई साल तक वो बुद्ध के जो है वो अग्रगण्य ऐसे शिष्य बने. And Sariputta was referred to by the Buddha as the Dhamma Senapati. और सारिपुत्र को बुद्ध जो है वो धम्म सेनापति कहकर संबोधित करते थे. There are many, many stories, but I can't tell you them all. बहुत बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन सभी कहानियाँ मैं आपको नहीं बता सकता. But very interesting. They're very good friends, but they're very different characters. बहुत ही रोचक बात ये है कि वो बहुत ही अच्छे मित्र हैं दोनों, लेकिन उनका व्यक्तिमत्व जो है बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग है. Sariputta was a prajna, one who's drawn to prajna, yeah. तो सारिपुत्र ऐसे व्यक्ति थे जो प्रज्ञा की ओर बहुत आकर्षित थे. He is often said to be one of the major figures in the Abhidhamma, yeah. और अभिधम्मा के वो एक प्रमुख ऐसी व्यक्ति रेखा रख रहे हैं. So he's a particularly good teacher of the Dhamma. और वो धम्म सिखाने में बहुत ही खास थे. And there are a number of suttas rather in the Pali canon that are taught by Sariputta. और पाली सुत्तपीठों में ऐसे बहुत सारे सुत्त हैं जो सारिपुत्र के सिखाए हुए हैं. The Buddha maybe is tired and says, Sariputta, you teach. तो बुद्ध जैसे थके हुए होते थे और वो कह देते थे कि सारिपुत्र तुम सिखाओ. Yes, a very gifted teacher with a very deep insight into the nature of things. तो सिखाने का बहुत ही अच्छा कौशल्य रखते थे और चीजों के विषय में बहुत ही गहरी उन्हें अंतर्दृष्टि प्राप्त. Mogalyan was quite a different character. और मोगलयान जो है बहुत ही अलग प्रकार के चरित्र के व्यक्ति थे. I suppose we'd have to say a magician. और वो एक तरह से हम कह सकते थे कि जादूगर थे. Maybe that's got the wrong connection in India, but तो भारत में जादू का संबंध कुछ अलग होता है, गलत होता है, लेकिन but he's supposed to have had psychic powers. लेकिन yeah? उनके पास जो है कई प्रकार की मानसिक शक्तियाँ थीं. So for instance, the wheel of life is said to derive from Modgalyan's
experience of those different realms. Yeah. तो उदाहरण के तौर पे ऐसा कहा जाता है कि मुगल लाइन का जो इन अलग-अलग लोकों का अनुभव था, उन अनुभव में से इस भवचक्र की निर्मिति हुई है. In his actual experience, he would see beings in hell. He'd see the Pratyaloka. He'd see the Asura Loka and so on. और उनके अपने अनुभव में वो जीवों को नरक लोक में प्रेत लोक में असुर लोक में देख पाते थे. So the Buddhist tradition is that some people have these psychic abilities. और बुद्ध का भी ऐसा अनुभव था कुछ लोगों में इस प्रकार की मानसिक शक्तियां होती. They're not necessarily anything to do with Buddhism. तो जरूरी नहीं है कि उन शक्तियों का बौद्ध धर्म के साथ संबंध हो ही. They're just naturally occurring abilities. तो बस वो यूं ही नैसर्गिक रूप से उत्पन्न ऐसी वो शक्तियां होती हैं. So the important thing is what you do with them if you have them. तो महत्व की बात ये है कि अगर आपके पास ऐसी कोई शक्तियां हैं तो उस शक्तियों का आप करते क्या हैं उपयोग. So Mogalyan, through his experience of other realms of existence, was able to show bhikshus and bhikshunis, lay people, what the consequences of their actions could be. तो ये जो अलग अलग लोगों का मुगल लाइन का अनुभव था उसकी वजह से वो दूसरे भिक्षु को भिक्षुनियों को या सर्वसामान्य लोगों को दिखा पाते थे कि उनके कर्मों के क्या परिणाम हो सकते हैं. This gave them great energy for practice. Yeah. और वो देख लेना जो है उनको अपने अभ्यास के लिए अपने आचरण के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रदान करते. Mogalyan's reference to these other worlds had on people. तो बुद्ध जो इस बात से बहुत प्रभावित थे कि मोगलयान का ये जो है दूसरे लोगों के ऊपर क्या परिणाम हो रहा है. So he got somebody to make the wheel of life, and it was put over the gates of the Veluvana. और इसीलिए उन्होंने फिर किसी से इस भवचक्र को चित्रित कराया और वो वेलुवन जो है उसके दरवाजे पर लगाया गया राजगीर में. That at least is a later story, of course. ये निश्चित ही बाद में निर्मित ऐसी कहानी. But it gives you an idea of how Mogalyan was seen. लेकिन आपको एक इससे कल्पना आ जाएगी कि मोगलयान को किस प्रकार से देखा जाए. When we did the Udana, did we have that scene where Mogalyan and Sariputta are meditating together? तो जब हमने उदान पढ़ा तो क्या हमने उस कहानी को पढ़ा जहाँ पे सारिपुत्र और मुगल लायन जो है वो एक साथ ध्यान कर रहे थे. And their bald heads are shining in the moonlight. और उनके जो सिर हैं वो चंद्र प्रकाश में जो है वो चमक रहे हैं. And a very nutcut yaksha sees the shining heads. और एक बहुत ही नटखट जो यक्ष है वो उस चमक रहे जो सिर उसको देखता है. And he just cannot stop himself from hitting Sariputra over the head. और वो अपने आप को बिल्कुल रोक ही नहीं पाता है कि वो सारिपुत्र के सर पे चोट करे. You know the feeling when you see a nice bald head like Maitreya's. तो अगर अच्छा सा सिर देखते हैं आप मैत्री जीत के जैसा तो क्या भावना आती है. When I see Maitreya's head, I have to slap it like that. Yeah. तो जब मैं मैत्री जीत को सिर को देखता हूँ तो उनको ऐसे ऐसे मारने का मेरा मन करता है. Anyway, you get a massive bonk on the head. बहुत बड़े से और थोड़े से सी चीज से वो उसको चोट पहुंचाता. Mogalyan sees this. और मोगलयान इस बात को देख लेते हैं. So at the end of the meditation, he sort of looks at Sariputra. और ध्यान खत्म होने के बाद वो जो है वो सारिपुत्र को देखते हैं. How are you feeling? और कैसे लग रहा है आपको? Sariputra, no, very well. I've got a slight headache. तो कहता है नहीं, बाकी सब तो ठीक है, बस हल्का सा सिर दर्द है. So Mogalyan says, it's wonderful. तो मोगलयान कहते हैं बहुत ही अद्भुत है ये. You know, I saw that yaksha give you a huge hit on the head. तो मैंने देखा कि वो यक्ष जो है उसने कितना जोरदार प्रहार किया है आपके सर पर. But your meditation was so deep, you hardly felt it. लेकिन आपका ध्यान जो है इतना गहरा था कि आपने बिल्कुल हल्के से भी उसको महसूस नहीं किया. So Sariputra says to Mogalyan, well, it's wonderful.
तो सारिपुत्र मुगलैन से कहते कि ये बात अद्भुत है. You could see that yaksha. I can't see anything. तो आप उस यक्ष को देख पाए, मैं तो कुछ भी नहीं देख पाया. So they rejoice in each other's merits. तो एक दूसरे के जो गुण है उन गुणों का वो आनंद ले रहे हैं. They're really friends. Yeah. और वो वास्तव में मित्र है, दोस्त है. And yes, they see each other's qualities and they see that they've got different qualities. और वो एक दूसरे के गुणों को देखते हैं और वो ये भी देखते हैं कि उन दोनों के गुण अलग-अलग हैं. So that's Sariputra Mogalyan. तो ये सारिपुत्र और मोगलयान. Many other stories to tell. Yeah. तो बताने के लिए और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं. For today, that will be enough. लेकिन आज के लिए इतनी काफी होंगी. Because we've got more stories. क्योंकि हमारे पास और भी कहानियाँ हैं. You see, it's not so heavy today. तो आप देख सकते हैं कि आज का उतना भारी नहीं है आज का. If a yaksha was to hit you over the head, you wouldn't have noticed. तो अगर यक्ष आप पर आपके सर पर प्रहार करता तो आपको ध्यान भी नहीं आता. So you can see these two. They died, unfortunately, about 20 years before the Buddha's Parinirvana. और ये वो दो लोग हैं. लेकिन बहुत दुर्दैव की बात है कि बुद्ध के अपने महापरिनिर्वाण के लगभग 20 साल पहले दोनों की भी मृत्यु हो चुकी है. And the Buddha saw this as a great loss to the Sangha. और बुद्ध ने देखा कि ये संघ को बहुत बड़ी हानि हुई है उनकी मृत्यु से. The next figure, of course, is Ananda. और अगली व्यक्ति रेखा जो है वो निश्चित ही आनंद की. What we mainly think of Ananda for is remembering everything the Buddha said. तो आनंद को हम खास करके इस बात के लिए याद करते हैं कि बुद्ध ने जो भी कहा है हर चीज को वो याद रखते थे. It was an oral culture. तो वो परंपरा जो है वो मौखिक परंपरा थी. The Buddha was almost certainly illiterate. इस बात में कोई संशय नहीं है कि बुद्ध लगभग जो है वो अशिक्षित थे. Writing was not widely used. Yeah? और उस वक्त जो है लेखन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता था. Just a few Brahmins would have known how to write. और बहुत ही थोड़े से ब्राह्मण लोगों को पता होगा कि लिखते कैसे हैं. Maybe some merchants also were learning how to keep accounts and that sort of thing. और हो सकता है कि कुछ व्यापारी भी सीख रहे थे कि हिसाब किताब जो है उसका लेखा जोखा कैसे रखना है. But it wasn't considered part of a general education. लेकिन जो सर्वसामान्य शिक्षण है उसका वो हिस्सा नहीं माना जाता था पढ़ना लिखना. ये भी इसके विषय में भी सोचना काफी रोचक है. So it was an oral culture. तो ये परंपरा जो है ये मौखिक परंपरा थी. So people heard teachings and remembered them. तो लोग जो है शिक्षाओं को सुनते थे और उन्हें याद करते थे. And they remembered a huge amount. और बहुत कुछ जो है वो याद रखते थे. And still today in the Tibetan monasteries they learn huge amounts of sutras and commentaries. Yeah. और आज भी जो तिब्बती मठ है उसमें बहुत सारी मात्रा में वो सूत्र और उनकी जो टीकाएं हैं उनको वो याद करके रखते हैं. They don't just depend on the written word. तो वो केवल लिखित शब्दों पर ही निर्भर नहीं रहते. I think particularly with internet we've become less and less good at remembering things. मुझे लगता है कि खास करके इंटरनेट के वगैरह आ जाने की वजह से चीजों को याद रखने की हमारी जो ये है वो और भी बुरी होती जा रही है, खराब होती जा रही है. I used to remember that stanza in Pali off by heart. उदाहरण के तौर पे अभी जो मैंने पाली की जो गाथा पढ़ी है वो मुझे मुंह जबानी याद थी. But today I looked it up on Google. लेकिन आज मैंने उसे गूगल पे देखा. So it replaces memory. तो हमारी गूगल जो है उसने हमारी स्मरण शक्ति का स्थान ले लिया. But at that time people remembered things. Yeah? लेकिन उस वक्त जो है लोग चीजें याद करके रखते थे, याद रखते थे. Ananda had a sort of photographic memory, you could say. और ऐसा कह सकते हैं कि आनंद के पास एकदम जैसे फोटो खींचते हैं उस प्रकार की स्मरण शक्ति थी. मतलब जैसा बोला गया बिल्कुल वैसा ही याद रखना, कुछ भी इधर उधर नहीं. Exactly. And he everything that the Buddha said in his hearing he remembered. और उसने बुद्ध को जो भी कहते हुए सुना होता था उसे वो याद रहता था. It's not so strange, yeah. तो ये बात उतनी विचित्र नहीं है. For Bhante, even to the day he died, could remember the page on which he'd read something
in a book he hadn't read for 50 years. तो भंते अपने के अपनी मृत्यु के दिन तक भी उन्हें उस किताब का वो पन्ना याद होता था जिसमें उसने उन्होंने कुछ पढ़ा है और अब 50 साल पहले पढ़ा है अभी 50 साल में उसको दोबारा नहीं पढ़ा है. He said, "Go to that shelf and find that book." तो कहते थे कि अलमारी के उस इसमें जाओ और वो किताब ढूंढो. Look on page 52. और 52 नंबर के पन्ने पर देखो. And he'd say what he thought it said, and you check, and it was more or less exactly right. और वो बताते कि उनका क्या विचार है कि उसमें ऐसा-ऐसा लिखा होगा और जब आप जाके उसको पढ़ते थे तो वो बिल्कुल वैसा ही होता. And he remembered a huge amount of poetry. और बहुत बड़ी तादाद में बहुत सारी कविताएं उनको याद थी. So you know we shouldn't think of Ananda's ability as just myth. तो इसलिए हमने इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए कि आनंद की ये जो क्षमता थी ये एक मिथक है. It seems he really, well, he could have really remembered it all. और ऐसा लगता है कि वाकई में वो इन सारी चीजों को याद रख पाए. So the beginning of every sutta, it has the words evam me sutam. तो हर सूत्र के पहले ये शब्द होते हैं एवं मे सुत्तम. And the me is ananda. और मे यहाँ पर आनंद है. Thus have I heard. तो ऐसा मैंने सुना है. So we're sort of listening to ananda telling us what the Buddha said. तो हम जो है वो आनंद को सुन रहे हैं और आनंद हमें बता रहे हैं कि बुद्ध ने क्या बताया. For the last 20 years of the Buddha's life, he was his close attendant. तो बुद्ध के जीवन के जो अंतिम 20 साल थे वो उनके बहुत ही करीबी ऐसे सहायक रहे. He was looking after his lodgings, making sure he had food. तो वो कहाँ उन्हें रुकना ठहरना है वो देखते थे, वो उनके भोजन आदि की व्यवस्था देखते थे. Arranging his appointments. और वो किन से मिलने वाले हैं, क्या करने वाले देखते थे. Like Maitrijit and Ratnakumar. थोड़ा मैत्रीजीत और रत्नकुमार के जैसे. And often sort of arranging things so that he'd bring people in, show them where to sit. और अक्सर जो है वो व्यवस्था देखते थे, लोगों को अंदर लेकर आते थे, देखते थे कि वो कहाँ बैठेंगे, कहाँ रुकेंगे. From the first, the Buddha had attendants. तो एकदम शुरुआत के काल से ही बुद्ध के जो है वो सहायक रहे हैं. But they weren't always very useful. लेकिन हमेशा ही वो सहायक जो है उतने उपयोगी नहीं रहे. They forgot things. They did their own thing. वो चीजें भूल जाते थे, वो अपनी चीजें करते रहते थे. And they were troublesome to the Buddha in one way or another. और एक या दूसरी तरह से वो बुद्ध के लिए कुछ तकलीफ देने वाले ही. So he had a whole succession of attendants. तो बहुत सारे उनके जो है सहायक रहे हैं. At a certain point, the Buddha felt he couldn't just go on having new attendants all the time. और एक समय मुझे बुद्ध को ऐसे लगा कि ये ऐसा ही नहीं चलते रह सकता कि मैं हर बार कोई नया सहायक रखूं. It's troublesome. You have to train them. तो ये बहुत ही मतलब तकलीफ का काम होता है कि हर बार आपको उन्हें प्रशिक्षित करना होता है. So you're having to train new people every time. I know from my own experience. तो हर बार जब नए लोग होते हैं तो उनको प्रशिक्षित करना होता है. मेरे अपने अनुभव से मुझे पता है कितनी तकलीफ होती है. So yes, the Buddha said to the monks, he got them together, many of his senior disciples and others, and he said, "Look, I want somebody to last me until I die." तो वो सारे भिक्षुओं को फिर एकत्रित करते हैं, उन्हें बताते हैं और उनको कहते हैं कि देखो मुझे ऐसा कोई चाहिए जो मेरे साथ तब तक रहे जब तक मेरी मृत्यु ना हो जाए. So we're all going, me, me, me. तो सब लोग अपना हाथ खड़ा कर रहे थे कि मैं रहूंगा, मैं रहूंगा, मैं रहूंगा. No doubt out of faith. और इसमें कोई शक नहीं कि वो श्रद्धा से ऐसा कह रहे थे. I will do it, I will do it. और कहते थे मैं करूंगा, मैं करूंगा. Ananda kept quiet. और आनंद जो है वो शांत बैठे थे, कुछ नहीं बोला. He didn't say anything. मैंने कुछ भी नहीं कहा. So the other monk said to him, "Well, why don't you put yourself?" और दूसरे फिर भिक्षु उनको पूछते हैं कि आप क्यों नहीं अपना नाम दे रहे हैं, आप क्यों नहीं आगे आ रहे हैं? Why don't you want to do it? और आप क्यों नहीं करना चाहते मतलब? And he said, "The Buddha will decide who he wants." तो वो कहते हैं कि बुद्ध खुद तय करेंगे कि उन्हें कौन चाहिए. So the Buddha then said, "Ananda, I want you to do this job." और फिर बुद्ध कहते हैं कि आनंद, मैं चाहता हूँ कि तुम ये करो. Very interesting, isn't it? It was
It was up to the Buddha, yeah? तो ये बात भी बहुत ही रोचक है कि जो निर्णय है वो बुद्ध को लेना था, उन्हें तय करना था. In some ways, you can only take a responsibility like that if you're asked to do it. और एक तरह से आप इस प्रकार की जिम्मेदारी तभी उठा सकते हैं जब आपसे वो उठाने के लिए कही जाए. I found in my own life, I've hardly ever put myself forward for anything. तो मेरे अपने जीवन में भी मैं ये देखता हूँ कि मैंने बहुत ही कम बार किसी चीज के लिए अपने आप को आगे किया है. Usually Bhante has asked me, Subhuti, could you take on this chairmanship? Yeah. तो अक्सर भंते ने ही मुझसे पूछा है कि सुबुति क्या आप इस चीज के जो है अध्यक्ष बन सकते हैं. I remember when I was just after I was ordained, 2 months after I was ordained, Bhante took myself and Lokamitra out for an Indian meal in London. तो मुझे याद है कि मेरी दीक्षा के दो ही महीने पश्चात बनते मुझे और लोकमित्र को एक भारतीय भोजन खिलाने के लिए लेकर गए थे बाहर. I remember the name of the restaurant was Diwani's in Houston. और मुझे याद है ह्यूस्टन में वो एक रेस्टोरेंट था, उसका नाम था दीवानी. And I'd never really had a thali plate before. और उससे पहले मैंने कभी थाली नहीं खाई थी. And I was suddenly presented with a plate with all these dishes on it. और एक मेरे सामने मतलब ये थाली आ गई और बहुत सारे उसमें पकवान रखे हुए थे. So I had to watch Lokamitra and Bhante, who knew what to do. तो इसलिए मुझे लोकमित्र को और भंते को देखना पड़ रहा था क्योंकि उनको पता था उनके साथ क्या करना है उन पकवानों के साथ. So I was just 26 years old. और मैं तब केवल 26 साल का था. So Bhante said, I want you to become the chairman of our only center at that time. और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि उस वक्त का हमारा जो एकमात्र केंद्र था उसके तुम चेयरमैन बनो या अध्यक्ष बनो. Okay, if you want me to, I'll do it. तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं वो करूँगा. In many ways, I was completely unsuitable. Yeah. और बहुत सारे तरीके से मैं उस पद के योग्य भी नहीं था. So the point I'm making is that if you're asked to do it, there's not so much selfish intention, yeah? तो मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई चीज करने के लिए कही जा रही है तो उसमें आपका अपना बहुत ज्यादा कोई स्वार्थपूर्ण रस नहीं होता. That comes later. वो बाद में आता है आपका स्वार्थ उसमें. But yeah, you get my point, yeah? तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे. आनंद was of that humble character. तो आनंद उस प्रकार के विनम्र स्वभाव के थे. He wasn't pushing himself forward. तो वो अपने आप को जो है सामने नहीं धकेल रहे थे. And I should tell you, of course, he was the Buddha's first cousin. और मुझे आपको ये भी बताना चाहिए कि वो बुद्ध के जो है वो चचेरे भाई थे. I think in India you call it cousin brother, yeah? और आप भारत में उसको चचेरे मेरे भाई कहते हैं. And a lot of the early disciples were from the Buddha's own immediate family. और बहुत सारे जो आरंभिक शिष्य हैं वो बुद्ध के अपने ही परिवार के लोग रहे. It's quite funny because in the West, hardly anybody has their own family involved in the order. और ये बहुत अलग सी बात है क्योंकि पश्चिम में मतलब परिवार के जो सदस्य हैं वो बहुत ही कम संघ में जुड़े हुए होते हैं. एक ही परिवार के बहुत सारे सदस्य. There are a few. Well, like Lokamitra, Srimala, and Vijayamala, they're brothers and sisters, yeah. तो बहुत थोड़े से लोग हैं जैसे लोकमित्र है, श्रीमाला है, विजयमाला है, वो भाई बहन हैं. A few mothers and daughters or mothers and sons. Yeah. और कुछ लोग हैं जैसे माता और बेटी है और या माँ या बेटे हैं. But when they hear in India that whole families come to the center, they think, oh, this is really bad. Yeah. और जब वो इस बात को देखते हैं कि पूरा का पूरा परिवार जो है वो केंद्र में आता है तो उनको लगता है ये तो बहुत बुरी बात है. So when people say that, they say, yeah, the Buddha was really bad, wasn't he? और वो सोचते हैं कि जब इस बात को सुनते हैं तो बुद्ध बहुत ही बुरे थे है ना मतलब. All his family came. पूरा का पूरा उनका परिवार जो है वो संघ में आ गया था. So people don't understand what a traditional society is like. तो लोग नहीं समझते हैं कि परंपरागत समाज किस प्रकार का. Anyway, yes, Ananda was a cousin brother to the Buddha. तो आनंद जो है वो बुद्ध के चचेरे भाई थे. It said that quite an early age he did want to go forth. तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही कम आयु में जो है वो गृह त्याग करके परिव्राजक बनना चाहते थे. But there was concern about too many of the Shakyan aristocracy leaving home.
लेकिन लोग बहुत इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगर राजघराने के बहुत सारे जो लोग गृह त्याग करके परिव्राजक बन जाए तो क्या होगा so he agreed to remain. और इसलिए फिर उन्होंने तय किया कि वो रुकेंगे परिवार में नहीं जाएंगे घर छोड़कर so anyway he was very well known for his extraordinary memory तो उनकी जो मतलब बहुत ही विलक्षण ऐसी स्मरण शक्ति थी उसके लिए वो जाने जाते हैं but he's probably better known for his kindness लेकिन उससे भी ज्यादा वो उनकी दयालुता के लिए जाने जाते हैं he was probably the most loved of the followers of the Buddha's followers तो बुद्ध के जो भी शिष्य थे उनमें आनंद जो है वो सभी को बहुत प्रिय थे सभी उनसे बहुत प्रेम करते थे he's especially even today honored by bhikshunis और आज भी जो है भिक्षुनियां उनका बहुत सम्मान करती हैं because he was mainly responsible for the Buddha accepting bhikshunis into the order क्योंकि उन्हीं के प्रयासों की वजह से बुद्ध ने जो है भिक्षुनियों को संघ में सम्मिलित किया to begin with the Buddha was very reluctant शुरुआत में बुद्ध इस बात के लिए उतना तैयार नहीं थे there's a lot of debate about why और क्यों वो तैयार नहीं थे इसके विषय में काफी चर्चाएं हैं I suspect it's mainly because of the conditions under which they would have been placed In the homeless life. मुझे लगता है कि उनका विचार जो है केवल उन परिस्थितियों को लेकर था कि अगर वो एक गृहहीन जीवन बिताएंगी तो वो उन्हें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? Very difficult for a woman unprotected and alone in the forest. अगर जंगल में कोई महिलाएं हैं और अगर कोई सुरक्षा का उसके पास साधन नहीं है तो वो बहुत कठिन परिस्थिति होती है. So a group of अकेले भी तो A group of women put on the yellow robe, shaved their heads, came to the Buddha and said, "Please ordain us." तो एक महिलाओं का एक समूह था. उन्होंने अपने सिर मुंडवा लिए, पीले चिवर पहन लिए और बुद्ध के पास आई और उन्होंने कहा कि हमें दीक्षित कीजिए या प्रवचित कीजिए. Of course, they were led by Mahaprajapati. और निश्चित ही इन महिलाओं का नेतृत्व महाप्रजापति कर रही थी. His foster mother. जो उनकी पालन पोषण करने वाली माता थी. The Buddha first of all refused. तो सबसे पहले तो बुद्ध ने इनकार कर दिया. They asked again. और उन्होंने फिर से पूछा. They refused again. He refused again. और बुद्ध ने फिर से इनकार कर दिया. Then Ananda pleaded with him. फिर आनंद ने उनसे विनती की. And he agreed. और फिर उन्होंने मान लिया. He placed certain conditions on them. उन्होंने उनके ऊपर कुछ नियम लागू किए. There's much debate about why those conditions were there and what their purpose was. और इसके विषय में भी बहुत चर्चा है कि ये नियम क्यों है और किस लिए लगाए गए वैसे वैसे. But yes, Ananda is credited with having persuaded the Buddha. लेकिन इस बात का श्रेय आनंद को दिया जाता है कि उन्होंने बुद्ध को मना लिया. And everybody knew that if you wanted something from the Buddha, you ask Ananda. और सभी को ये बात पता थी कि अगर आपको बुद्ध से कुछ चाहिए तो फिर आपको आनंद को पूछना है. Just like people know, you ask Maitriji. तो जैसे लोगों को पता है कि आपको मैत्रीजीत को पूछना होता है. रत्न कुमार may say no. तो रत्न कुमार नहीं बोल सकते हैं. Maitriji will always say yes. लेकिन मैत्रीजीत हमेशा ही हाँ बोलेंगे. Subhuti may say no, but that's another question. Subhuti नहीं बोल सकते, लेकिन वो अलग सवाल है. But yes, Ananda was of that very kindly, sympathetic disposition. तो आनंद इस प्रकार के बहुत ही दया और सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति थे. Everybody loved Ananda. और हर कोई आनंद को पसंद करता था. And the Buddha himself noticed this. Yeah. और स्वयं बुद्ध के भी ध्यान में आई थी ये बात. He would greet people. He'd make them feel at ease. वो लोगों को अभिवादन करते थे. वो लोगों को सहज महसूस कराते थे. Such a very attractive figure, isn't he? तो बहुत ही आकर्षक ऐसे वो व्यक्ति थे. You can imagine the sort of person. और आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार के वो व्यक्ति रहे. Friend to everybody. सभी के वो मित्र थे. And wanting to help everybody. और वो सभी की मदद करना चाहते थे.
He was also very sound on Dhamma. और धम्म का भी वो काफी अच्छा ज्ञान रखते थे. And there are one or two occasions where he's asked to instruct people. और एक या दो अवसर पे उनसे कहा गया है कि आप लोगों को सिखाएं. And he's said to be the founder of some traditions that exist to this day. और ऐसा कहा जाता है कि कुछ शाखाओं के कुछ परंपराओं के वो संस्थापक रहे हैं जो आज भी चल रही हैं शाखाएं. So that's three figures. तो ये तीन व्यक्ति हैं.